हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रक्षेप काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को भी साफ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को एक छोटा सा तालाब बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करने का भी विधान है। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र हो परंतु जीवित ना रहते हो तो जीवित रहने लगते हैं। इस दिन एक ही समय भोजन करने का विधान है। कुछ स्थानों पर निर्जला व्रत भी रखा जाता है और इस दिन कटे हुए फल या फिर सब्जी नहीं खाते हैं। इस व्रत का पारण तीसरे दिन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य एक ब्राह्मण को बताया था, जिससे उसके बेटे की मृत्यु टल गई थी और उसे लंबी आयु प्राप्त हुई थी। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में इस व्रत को रखने की शुरुआत हुई थी। इस कथा में हम जीमूत वाहन की एक ब्राह्मण की तथा जहाँ से इस व्रत को रखने की प्रथा चली सब कथाओं का आनंद लेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हम जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनाते
से पांडव भर जाते हैं, पांडव भर जाते हैं। इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करने से
सब फल मिल ही जाते हैं, हाँ मिल ही जाते हैं। इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जाते हैं, हाँ दुखी हो जाते हैं। इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत का आपको महत्व
तब समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
हमारा खत्म हो रहा शोक मनाते हैं, हाँ शोक मनाते हैं। इस पावन व्रत ताप को महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पाते हैं ना देख ये पाते हैं, इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चोंच से कपड़ा हटाया हैरान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इस पावन व्रत का आपको महत्व समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
सुनाते हैं। समझाते हैं हम कथा सुनाते हैं।